बच्चों स्वागत है एक बार फिर से आपका GVPS व्हाट्सएप एंड क्लासेस कंप्यूटर क्लासेस में। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं अगले सप्ताह में आप लोगों का फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट होने जा रहा है। इसमें आपके कंप्यूटर के प्रश्न का प्रारूप मैंने गूगल फॉर्म में तैयार किया है जो कुछ इस प्रकार से होगा। उसका लिंक मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर भेजूँगा और वहाँ से आप अपने व्हाट्सएप में जाइएगा और उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं अभी आपको एक यहाँ पे करके बतला रहा हूँ, मैं इस मोबाइल में एक लिंक भेजा हूँ, इस लिंक पर मैंने टैप किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन खुल करके आया है, द डेमो ऑफ फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट सेशन 2020-21। बच्चों इसमें 6 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में आपको अपना नाम, जैसे यहाँ देख रहे हैं एंटर नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। यहाँ आप जो ही टैप करेंगे आपको नाम लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख दिया, मैंने SN लिख दिया। इसके बाद एंटर योर मोबाइल नंबर, इस पर आप टैप करेंगे। यहाँ फिर 10 नंबर का आपका कोई भी जो मोबाइल नंबर है, जैसे मैंने अपना डाला 95-23-98-47-73। इसके बाद फिर इसको स्लाइड कीजिए। यहाँ है एंटर योर फादर्स नेम, आप फादर्स का नेम जो भी है ABCD वो डाल दीजिए। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। जो ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं फिर अगला सेक्शन खुल करके आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे है मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे प्रश्न के साथ साथ आपको 3 ऑप्शन है, सही ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, डैश कैन क्विकली वर्क आउट सम्स, मशीन्स, कंप्यूटर्स, पेंसिल्स। आप जानते हैं इसका करेक्ट आंसर कंप्यूटर्स होगा, कंप्यूटर पर क्लिक कर दें। सेकेंड क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर्स हेल्प अस लुक अप डैश रोड रूट्स, रीड द न्यूज, बोथ ऑफ अवब। हम जानते हैं बोथ ऑफ अवब, उसको क्लिक करें। अब थर्ड क्वेश्चन, अ कंप्यूटर डज नॉट वर्क फास्ट, लर्न न्यू थिंग्स, डू सम्स। जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर नए चीज खुद ही नहीं सोच सकता, तो हम इसको क्लिक किए। और कंप्यूटर कैन सोच डैश मूवीज कार्टून्स ऑल ऑफ अवर, तो ये सभी कुछ दिखा सकता है कंप्यूटर, इसके लिए हम तीसरे ऑप्शन को क्लिक करते हैं। 5 में अ कंप्यूटर दैट ऑलवेज कीप्ड ऑन अ डेस्क, हमारे स्टैंडर्ड 1 के स्टूडेंट भी जानते हैं इसका सही आंसर होगा डेस्कटॉप। अब चलिए ये 5 क्वेश्चन का हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब अगला सेक्शन खुल के आ गया, इसमें आप देख रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स, ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू तो ट्रू पर क्लिक करें। और कंप्यूटर इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स, आप फॉल्स पे क्लिक करें। इसके बाद अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स फॉर्म अ नेटवर्क, ट्रू। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी ट्रू है, ट्रू पर क्लिक करें। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर इज नॉट एन यूजफुल मशीन, ये ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। अब फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब अगला सेक्शन खुल करके आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें जो सही ऑप्शन हो उसको आपको क्लिक करना है। डैश कंप्यूटर्स इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी यूज्ड बाय ओनली 1 पर्सन एट अ टाइम। जैसा कि आप जानते हैं हम पर्सनल कंप्यूटर के साथ ऐसा कर सकते हैं। अ कंप्यूटर डैश फॉरगेट थिंग्स, नेवर फॉरगेट थिंग्स, कभी भी किसी चीज को नहीं भूलता। अ डैश इज ऑफ्टन यूज टू प्ले गेम्स, हम जानते हैं जॉय स्टिक का उपयोग अधिकतर खेल खेलने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर्स स्टोर डाटा इन डैश फाइल्स, हम जानते हैं फाइल में कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है। वी कैन लिसन टू डैश ऑन अ कंप्यूटर ओनली थंडर और म्यूजिक, तो हम जानते हैं म्यूजिक। अब नेक्स्ट को क्लिक करें फिर। अब बच्चों यहाँ देखिए आपका है मैचिंग, ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए बनाना डिफिकल्ट है, लेकिन समझ जाइएगा आसानी से आप कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, लॉगिन, कंप्यूटर्स, यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड चेक इन।
अब यहाँ पे आप देखें हार्डवेयर के सामने 1, 2, 3 डॉट आपको नजर आ रहा है, और जब इसको आप ऐसे स्लाइड कीजिएगा तो बाकी के डॉट भी आपको दिखाई देंगे। अब आपको देखना है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो ये सेकेंड चैप्टर है स्टैंडर्ड 3 का, इसके ऊपर मैंने टिक कर दिया। सेकेंड है लॉग इन, लॉग इन के बारे में हम देखें तो यहाँ पे है नेम ऑफ आवर कंप्यूटर बुक, जी हाँ आपके कंप्यूटर बुक का नाम है लॉग इन, इस पर क्लिक करें। अब कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स को अगर देखें तो यहाँ है फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 1 एंड 2, जी हाँ स्टैंडर्ड 1 के फर्स्ट और सेकेंड, स्टैंडर्ड 1 और 2 के फर्स्ट चैप्टर का नाम है कंप्यूटर्स। अब हम देखें यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स, हाँ बच्चों याद कीजिए स्टैंडर्ड 2 का पहला सेकेंड चैप्टर जो है वह है यूजेज ऑफ कंप्यूटर, और चेक इन, चेक इन के बारे में आप वीडियो में भी देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं, टू शो टिकट एंड गेट सीट, तो इसके सामने इसको टिक कर दिए। अब फिर से एक बार देख लें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसका मैच है सेकेंड चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 3 लॉग इन, इसका मैच है नेम ऑफ आवर कंप्यूटर बुक, उसके सामने मैंने टिक किया। कंप्यूटर्स को अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लाइड किया ये कंप्यूटर्स, ये फर्स्ट में ही है अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 1 एंड 2, और यूजेज ऑफ कंप्यूटर इसको इधर खींचें देखें सेकेंड चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 2 इसके सामने है, और अब देखें चेक इन तो टू शो टिकट एंड गेट सीट। मैं समझता हूँ अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे किस तरीके से इसको करना है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपका 5वां सेक्शन आ गया जिसमें है इन दिस सेक्शन यू कैन गेट 5 मार्क्स फ्रॉम दिस 5 क्वेश्चंस, यू आर अलाउड टू राइट योर 1 वर्ड आंसर स्टार्टिंग विथ कैपिटल और स्मॉल लेटर, योर आंसर हैव मस्ट टू बी करेक्ट। इसमें आप अपना आंसर एक वर्ड में लिख सकते हैं, आप अपने वर्ड का शुरुआत कैपिटल या स्मॉल लेटर के साथ कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर सही होना चाहिए। अब यहाँ देखिए समथिंग वी मेक टू हेल्प अस डू आवर वर्क, तो इसमें होगा मशीन, हम लिख देंगे मशीन, MACHINE, मशीन। अब इसको फिर ऊपर की तरफ ले जाएं, सेकेंड है इट शोज हाउ मैनी और हाउ मच ऑफ थिंग्स, यह वर्ड ऐसा है जो हमें दिखाता है कोई वस्तु कितनी है, तो क्वांटिटी इसका आंसर Q U A N क्वांटिटी, यस। और अब अगला क्वेश्चन, वी कैन कैरी दीज कंप्यूटर्स इजली, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, जी हाँ गलत है ये मैसेज, हम क्वेश्चन आगे बढ़ गए, यहाँ पे होगा क्वांटिटी, क्वांटिटी। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, ए मैसेज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, आप जानते हैं इसका आंसर ईमेल, EMAIL, ईमेल। फोर्थ क्वेश्चन, स्क्रीन ऑन विच वी कैन सेलेक्ट टाइप एटसेट्रा यूजिंग आवर फिंगर्स, तो इसका आंसर आप जानते हैं कौन सा स्क्रीन है जिस पर हम छू करके लिख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा टच स्क्रीन, TOUCH स्क्रीन, टच स्क्रीन। और लास्ट में क्वेश्चन देखिए, वी कैन कैरी दिस कंप्यूटर इजली, हम जिस कंप्यूटर को आसानी से कहीं ले जा सकते हैं तो वो है अपना लैपटॉप। तो इस तरीके से हमने ये पूरा सेक्शन फिल कर लिया, अब हमको क्या करना है इसे
सबमिट कर देना है। अगर आप चेक करना चाहते हैं पीछे का भी, तो आप बैक पर क्लिक करके पीछे का सेक्शन सब देख सकते हैं एक बार, जो कि हमने सही किया है या नहीं। बार बार बैक पर क्लिक कीजिए, आपका पिछला सेक्शन आता जाएगा, आप चेक कर लीजिए और फिर नेक्स्ट करते जाइएगा, अगला सेक्शन आता जाएगा, आप लास्ट सेक्शन पे पहुंच जाइएगा। जब चेक करने के बाद अपने आंसर्स को, तो सबमिट बटन को क्लिक कर देना है। आप सबमिट क्लिक करें, उसके बाद देखिए व्यू स्कोर आ गया। व्यू स्कोर पर आप क्लिक कीजिए, आपको ये बतला देगा आपने कितना नंबर प्राप्त किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं 25 में 24 नंबर। कहाँ पे मेरा आंसर गलत हुआ है, किस सेक्शन में, ये भी हमें यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर इज नॉट एन यूजफुल मशीन, ये फॉल्स। कंप्यूटर इज नॉट एन यूजफुल मशीन, यह फॉल्स है। तो जो हमारा आंसर गलत है वो वहाँ पे शो कर देगा। तो इस तरीके से बच्चों गूगल फॉर्म के मदद से आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। बार बार इस लिंक को ओपन करें और इस पर अभ्यास करें। 29 तारीख से आप इसी प्रारूप में अपना कंप्यूटर का फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट देंगे।